अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आफरीन बब्बू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है, यहाँ सुबह मॉर्निंग हो गई है और बच्चों के लिए यहाँ पे टिफ़िन बनानी थी। तो टिफ़िन में आज लंच मैं दे रही हूँ उन लोग को जो है चिकन रोल। तो यहाँ पर चिकन को रात में मैंने मैरिनेट करके रख दिया था और वही सुबह जो है बना रही हूँ। तो मैरिनेशन इसका इस तरह है कि थोड़ा मतलब चिकन लेंगे और उसमें हम विनेगर डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे और नींबू का जूस या दही डाल देंगे। तो इसी तरह मैंने मैरिनेट करके इसको रात में रख दिया था। अभी सुबह हो गई थी तो मैंने कहा लाओ जल्दी से फटाफट से, जो है सुबह के टाइम बच्चों को लंच बनाना रहता है। तो फटाफट से मैंने इसको तेल डाला और उसी में जो मैरिनेट करके मैंने चिकन रखा था उसको मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसको ढक दिया था पकने के लिए और यहाँ पे हमारा चिकन जो है बिल्कुल परफेक्ट एकदम पक गया है। तो इसको हम ढक देंगे और साथ साथ में मैं बच्चों के लिए नाश्ता भी बना रही थी तो चाय भी बन रही है। सो यहाँ पे ये देखिए चिकन भी हमारा अच्छे से बिल्कुल बन चुका था। तो यहाँ पे मैंने पराठा बना लिया। पराठा मैंने सिंपल जैसे बनाया जाता है उसी तरह बनाया है और इसमें मैंने मेयोनीज़ लगा दी है। मेयोनीज़ के साथ साथ इसमें हम जो है टोमेटो केचप भी लगा देंगे। सो यहाँ पे ये देखिए मैं लगाने लगी हूँ टोमेटो केचप और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है टोमेटो केचप को अच्छे से फैलाने के बाद इसमें हम जो है रख देंगे जो हमने चिकन बना के रखा है उसको हम रख देंगे। और इसी के साथ कुछ वेजीज़ मैं रखूँगी और वेजिटेबल में तो बच्चे ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से जो है मैं इसमें टमाटर और प्याज जो है रखूँगी। और तो इसको हम ये देखिए इस तरीके से असेंबल करना है। तो यहाँ पे ये देखिए चिकन मैंने थोड़ा ही से रखा था क्योंकि अली का बहुत नाटक है, अली चिकन वगैरह जल्दी से खाना नहीं चाहते हैं। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा ही से इनके जो है रोल में डालेंगे। तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा इनके रोल में चिकन डाला है और टमाटर और प्याज डाल दी है। और यहाँ पर हम डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस और इसके बाद हम जो है डालेंगे रेड चिली सॉस। तो ग्रीन चिली सॉस मैंने डाल दिया है और इस पर हम जो है रेड चिली सॉस डालने के बाद इसको हम ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे जैसे रोल बनाते हैं। तो इसी तरीके से जो है रोल बना देना है। यहाँ पे अली का लंच बिल्कुल रेडी है, ये देखिए इस तरीके से इसी तरह सारे रोल्स बनाने हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चे जा चुके हैं स्कूल और आज का मौसम देखिए काफ़ी जो है एकदम बादल बादल से हैं और धूप हल्की हल्की निकल रही है, आ रही है, जा रही है, इस तरह का मौसम बना हुआ है। यहाँ पे ये देखिए आ गई हूँ मैं सुबह का ब्रेकफास्ट करने। तो ये देखिए ब्रेकफास्ट में आज है रस और चाय। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद जो है देखते हैं क्या काम है। और यहाँ पे ये देखिए उमर भी आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने और उमर का जो है आज ऑफ था तो इसीलिए जो है स्कूल नहीं गए हैं। तो यहाँ पे ये नाश्ता करने लगे हैं और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद ये देखिए मैं अपने बालों में जो है हेयर पैक लगाने लगी हूँ। तो मैंने कहा लाओ अभी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हेयर पैक जो है हमारा बिल्कुल लग चुका है और इस तरफ यहाँ पे ये देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है। सुबह ही से मौसम बारिश का बना हुआ था, धूप आ रही थी जा रही थी तो बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये देखिए हेयर पैक ऑलमोस्ट मेरा लग गया है, कटोरी मैंने धुल ली है। तो चलिए अब किचन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मेथी जो है मैं कट कर रही हूँ। हरी मेथी रखी थी तो मैंने कहा लाओ इसको कट कर लेते हैं। और जो है आज खाने में हम बनाएंगे आलू बैंगन मेथी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी जो है मेथी कट चुकी थी और मैंने जो है सब्ज़ी को छौंक भी लगा दिया है और ये देखिए सारा काम मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे इसको हम चला के ढक देंगे, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे ये देखिए इनको देखिए इस तरफ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और हसन को देखिए इनका काम देखिए पुट्टी लगा रहे हैं। पूरे घर में जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा दीवार वार टूटी है तो वहाँ पे ये जो है अपने से पुट्टी लगा रहे हैं। कह रहे हैं रमज़ान आ रहा है तो चलो घर की
जो है अच्छे से मरम्मत कर देते हैं। तो यहाँ देखिए मरम्मत में जुटे हुए हैं, ये देखिए पुट्टी लगा रहे हैं, किस तरीके की पुट्टी इनकी लग रही है। ये देखिए घर की सजावट करेंगे, कह रहे हैं घर की सजावट करनी है, पुट्टी लगा लगा के घर की सजावट करेंगे। ये देखिए और यहाँ पे ये देखिए बैर आई हुई थी और अभी बैर का मौसम है ये, तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेश फ्रेश काफ़ी बैर लेके आए थे। तो इसमें कुछ जो है इस तरह की हरी हरी हैं, बाकी सब हुए हैं, लेकिन बैर जो है खट्टी मीठी वाली है, मीठी वाली बिल्कुल भी नहीं है, तो खाने में थोड़ा सा दांत एकदम वो हो जाता है। और ये देखिए किचन में फिर आ गए हैं, ये देखिए हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये देखिए सब्ज़ी हमारी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। और मैंने उमरा को कह दिया कि थोड़ा सा आटा चाल लें, तो वो आटा चाल रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए आटा चाल रही हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा चाल लो। आटा मैंने सान लिया है, वो जो सूखा वाला आटा रहता है वही लगा के जो है रोटी बनाना था, तो मैंने कहा थोड़ा सा चाल के दो। तो ये देखिए यहाँ पे बनने लगी है हमारी रोटी, सब्ज़ी बन चुकी है, रोटी बना लेते हैं फटाफट से। और बच्चे स्कूल से आ गए थे तो जो है बच्चों को भूख भी लगी थी, तो मैंने कहा फटाफट से रोटी बनाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हुई थी अभी सुबह में, और धूप देखिए किस तरह से निकल आई है, ये देखिए लगता ही नहीं है कि आज बारिश हुई है। यहाँ पे ये देखिए मौसम फिर से एकदम बना हुआ है बारिश की जैसे। और यहाँ पे उमरा को मैं जो है अरबी पढ़ा रही हूँ, इनका सबक याद करवाना था, तो वही जो है मैं बैठ के इनका सबक याद कर रही हूँ। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे बन रहा है हमारा ओट्स, ये देखिए बन चुका है हमारा ओट्स। अभी ये देखिए शाम का टाइम हो गया है, उमरा को अरबी पढ़ाने के बाद ये देखिए मैं ऊपर आ गई हूँ छत पे, और हल्की हल्की सी धूप निकल रही है, आ रही है जा रही है, इसी तरह हो रहा है, और हवा काफ़ी ठंडी ठंडी सी चल रही है। मौसम देखिए काफ़ी प्यारा बना हुआ है माशाल्लाह। और बच्चे जो है छत पे यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, ये देखिए इनकी पतंग, ये देखिए, ये देखिए मौसम देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है, और ताज़ी ताज़ी जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और इस तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमने लगाया है उसका टमाटर का पेड़, ये देखिए इसमें हमने टमाटर का पेड़ लगाया है। और इस तरफ यहाँ पे ये देखिए धनिया हमने बीज डाल दी थी, तो माशाल्लाह से धनिया हमारी निकल आई है, अभी जो है रमज़ान आ रहा है, और इसमें ये देखिए टमाटर भी लगा हुआ है, रमज़ान आ रहा है तो चटनी जो है पकौड़ी बनाते हैं, और पकौड़ी जो है चटनी के बिना अच्छी नहीं लगती है, तो चटनी के लिए माशाल्लाह से ये देखिए धनिया निकल आई हैं। और इतनी खुशी हो रही थी धनिया देख के कि क्या ही बताऊँ कितनी खुशी हो रही थी, क्योंकि धनिया एक बार मैंने पहले भी बोया था तो नहीं निकली थी। और ये क्लिप जो है नेक्स्ट डे की है, अभी शाम हो चुकी है और आज भी माशाल्लाह से बारिश काफ़ी हुई है, दिन में थोड़ा थोड़ा करके बारिश लगातार ही हो रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए बारिश हो रही है, और बारिश होती है तो पकौड़ी बनाना बनता है, तो यहाँ पे हस्बैंड जो है अपने लिए जो है पकौड़ी वगैरह बना रहे थे, और इनकी स्टाइल देखिए किस तरह बना रहे हैं, और चम्मच से उसको मिक्स कर रहे हैं। हम लोग जो है हम लोग की हैबिट रहती है तो हम लोग जो है हाथ से फेंट लेते हैं और फटाफट से जो है पकौड़ी बनाते हैं, लेकिन इनकी जो है हैबिट नहीं थी, तो ये जो है चम्मच से उसको फेंटे हैं, उसके बाद ये देखिए आराम आराम से गोला बना बना के डाल रहे थे कि अच्छे से गोली गोली निकले, ये देखिए इस तरीके से, और बहुत देर देर में एक एक उठा उठा के डाल रहे थे। तो हम लोगों की आदत होती है ना, इसीलिए हम लोग जल्दी कर लेते हैं, और इन लोगों की आदत नहीं होती, कभी कभार इन लोगों को करना पड़ता है तो इतनी फुर्ती से नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को मालूम है।
तो चलिए जब तक पकौड़ी बन रही है तब तक हम लोग अपने गार्डन में चलते हैं और पुदीना तोड़ के ले आते हैं। तो माशाल्लाह से पुदीना भी ये देखिए काफ़ी जो है निकला हुआ है, ये देखिए पत्ती पत्ती करके जो है हम लोग तोड़ लेंगे इसको। और इसकी चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पुदीने की चटनी, धनिया से ज़्यादा जो है मुझे पुदीने की चटनी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा पुदीना है भी तो लाओ जो है पुदीने की ही चटनी बनाएंगे। और साथ में ये देखिए अली भी आ गए हैं पुदीना तोड़वाने के लिए। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसकी चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए पुदीना हमने तोड़ लिया है, ये देखिए काफ़ी पुदीना हमने तोड़ लिया है। तो चलिए अब इसको हम लेके चलते हैं, इसकी चटनी बनाते हैं। ये देखिए फ्रेश फ्रेश पुदीना कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए और खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पे इनकी ये देखिए पकौड़ी भी बन गई है, ये देखिए निकालने लगे हैं पकौड़ी को। तो चलिए यहाँ पे चटनी बना लेते हैं। पुदीना को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, पुदीना डालेंगे, इसके बाद इसमें हम जो है हरी मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हरी मिर्च मैंने डाल दी है, यहाँ पे ये देखिए लहसुन डाल दिया है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, तो टमाटर को हम जो है कट करके डालेंगे इसमें ताकि जो है अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो चलिए टमाटर कट कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये देखिए मैं टमाटर कट करने लगी हूँ। टमाटर कट करने के बाद हम इसको जो है पीस लेंगे चटनी को। तो यहाँ पे ये देखिए टमाटर हमारा कट चुका है, अब इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। सो फाइनली ये देखिए चटनी हमारी बनके बिल्कुल रेडी है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। और फाइनली यहाँ पे पकौड़ी भी बन चुकी है। तो यहाँ पे ये देखिए सारी पकौड़ियाँ बन गई हैं। चलिए अब लेके चलते हैं, पकौड़ी और चटनी जो है सब लोग खाएंगे। और अभी जैसा कि मेरा व्लॉग जो है प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से मन ही नहीं कर रहा है व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी। तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी क्लिप जो है इसी तरह जो है मैं शूट कर लेती हूँ। और आज थोड़ा सा मूड हुआ तो मैंने कहा चलो ठीक है आज बना लेते हैं व्लॉग। एक महीना हो गया होगा शायद, हाँ आई थिंक एक महीना हो चुका है व्लॉग बिल्कुल भी नहीं गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, कोई ख़ास नहीं है लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।